सो गाइज, आज मेरा ग्रुप राइड प्लान है। अभी जो टाइम हो रहा है गाइज 3:30 हो रहा है, तो मुझे 4 o'clock टी पॉइंट पे मिलना है। अभी मैं जस्ट सो के उठाऊँ। अभी रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं गाइज। फाइनली गाइज, मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और ये जो गाइज मेरा ये फर्स्ट ग्रुप राइड है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और देखते हैं ग्रुप राइडिंग का कैसा फील होता है, क्योंकि अभी तक मैं सोलो राइडिंग कर रहा था। गाइज, मैं अभी जो सामान कैरी कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटा सा मेरा टैंक बैग है और एक मैं ये बैग कैरी कर रहा हूँ। और इस बैग में गाइज मैं 2 बॉटल्स पानी का बॉटल्स कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। बॉडी डिहाइड्रेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और गाइज ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस राइड है, क्योंकि ये रांची के पास में एक दसम फॉल है। दसम फॉल के आसपास में जाने का प्लान हुआ है। अभी देखते हैं क्या प्लान में चेंज होता है, या देखते हैं रास्ते का नज़ारा देखते हैं और देखते हैं कैसा ये ग्रुप राइड होता है। अभी गाइज मिलते हैं, मोटो ब्लॉगिंग मोड मिलते हैं और अभी मेरे को रिफ्यूलिंग भी कराना है अपने बाइक में। पेट्रोल पंप पर मिलते हैं गाइज। चलिए हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजीत बाइकर ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में गाइज। गाइज आज का वीडियो और आज का राइड सोलो राइड नहीं होने वाला है गाइज। आज मैं ग्रुप राइड में जा रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ग्रुप राइडिंग का, क्योंकि इसके पहले मैंने ग्रुप राइडिंग में कभी राइडिंग नहीं किया है। जो भी किया मैंने सोलो किया था। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और देखते हैं ग्रुप राइडिंग में कितना मज़ा आता है गाइज, क्योंकि मैं भी चाहता था ग्रुप राइडिंग करूं, बट कभी ऐसा मौका नहीं मिला था, बट आज ये मौका मिला है। अभी टाइम हो रहे हैं 3:45 हो चुके हैं ऑलरेडी। आफ्टर 15 मिनट्स के बाद नया मोड़ एक जगह है जहां हम लोग का मीटअप है। उसी जगह पे हम लोग मिलेंगे और ये जो राइड होगा गाइज अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास में होने वाला है। देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है। आप वीडियो में बने रहिएगा। और ये जो देख रहे हैं 320 हाईवे पे मैं अभी आ चुका हूँ और अभी यहाँ से नया मोड़ जाना है और टी पॉइंट हम लोग ने रखा है, वहाँ पे हम लोग का एक मीटअप होगा, वहीं पे हम लोग मिलेंगे और वहाँ से राइड को स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे कितने राइडर्स आते हैं देखते हैं। सुबह सुबह राइड करने का एक अलग ही मज़ा आता है, जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल रोड जो है पूरा सुनसान है। फाइनली मैं अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ग्रीन बोकारो और यहां पे टी पॉइंट है, इसी जगह पे हम लोग मिलने वाले हैं। हेलो भैया, बिल्कुल बहुत सालों बाद निकला तो, और ओ भाई साहब इसमें पूरा जंग लग गया। ये अंदर 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 अभिनव सही बोला, एग्जॉर का है क्या? नहीं 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 नहीं, अभिनव मेरे को गाली दे रहा, जब फोन करे बोलता आप हेलमेट चेंज और उसका भी हेलमेट कुछ इसी कलर का है। फाइनली गाइज, अभी हम लोग राइड शुरुआत कर चुके हैं और ये सामने जो देख रहे हैं ये भैया हैं और एक जस्ट मेरे पीछे हैं और दोनों जो है रॉयल इनफील्ड का बाइक है, एक ESD है और ये जो है इंटरसेप्टर 650 है भैया के पास, और सबसे लो CC का बाइक मेरे पास है फ्रेंड, फिर भी मैं ग्रुप में जा रहा हूँ। फाइनली अभी 320 हाईवे पे हम लोग आ चुके हैं और हम लोग ने प्लान में थोड़ा सा चेंजेस किया है, क्योंकि ज़्यादा राइडर्स नहीं आए हैं। हम लोग अभी तेनुघाट जाएंगे और उसके बाद और मांझी जाएंगे, देन वहाँ पे कोई ढाबा वगैरह मिलेगा, एक शॉर्ट डिस्टेंस राइड जिसको बोल सकते हैं मॉर्निंग राइड, वही हम लोग आज जस्ट करने वाले हैं। और अभी जो टाइम हो रहे हैं 4:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग ने अभी जस्ट टी ब्रेक लिया था और हम लोग ने जस्ट अभी राइड का शुरुआत किया है।
सो एक छोटा सा मीटअप समझ सकते हैं इसको, बोल सकते हैं, और गेट टुगेदर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनसे जो है फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी मेरी। सो फाइनली ज़्यादा लोग राइडर्स नहीं आए हैं, इस कारण से हम लोग ने प्लान में थोड़ा सा चेंजेस किया है, और अभी जो है दसम फॉल नहीं जाकर हम लोग ने डिसाइड किया है तेनुघाट जाने के लिए, और तेनुघाट के बाद और मांझी जाएंगे। सो अभी बोकारो रेलवे स्टेशन के पास हम लोग आ चुके हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी मैं तेनुघाट डैम आ चुका हूं, और एक संडे राइड पे मैं निकला था, जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस कि मैं थोड़ा ग्रुप राइडिंग में थोड़ा सा आया हूं, और हमारे पीछे जो है दो राइडर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बाइक आप देख सकते हैं, एक इंटरसेप्टर 650 है और एक यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर मेरी बाइक है, और दोनों राइडर्स मैं आपको मिलाता हूँ जो मेरे साथ यहाँ पर आए हैं। तो ये रहे फर्स्ट और हेलो एवरीवन, और सेकंड राइडर यहाँ पे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स यहाँ से अभी निकलते हैं और मांझी की ओर, और मांझी में मिलते हैं गाइस। और फ्रेंड्स यहाँ से और मांझी का जो डिस्टेंस है अराउंड 40-45 किलोमीटर्स के आसपास में होगा। सो यहाँ से अभी निकलते हैं और मांझी की ओर, और संडे राइड को इंजॉय करते हैं फ्रेंड्स। तो फाइनली गाइज यहाँ से अभी और मांझी जा रहे हैं, और मांझी में जाके देखते हैं क्या कर सकते हैं। आज संडे राइड में निकले हैं, सो काफ़ी मज़ा आ रहा है दो राइडर्स के साथ राइड करके, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मेरे सामने जो देख रहे हैं दोनों राइडर्स जो हैं, बिहेवियर बहुत ही बेस्ट है यार। एक राइडर से एक फ्रेंड नहीं होता यार, एक फैमिली की तरह होता है। सो काफ़ी मुझे अच्छा लगा इन दोनों के साथ राइड करके, रियली मैन वेरी नाइस। वाओ क्या ब्यूटी है यार, अमेजिंग रोड्स आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और गाइज ये जो है तेनुघाट डैम, जब आओगे तो ऐसे रास्ते मिलेंगे, और देख सकते हैं आप रास्ते कितने ब्यूटीफुल हैं। सो फाइनली अभी पेटरवार में आ चुका हूँ, और यहाँ से गोला होते हुए और मांझी अभी जाएंगे, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहे हैं 7:30 हो रहे हैं, और अभी जो है बहुत ज़्यादा टाइम है। सो थोड़ा सा और घूम लेते हैं, थोड़ा सा और राइड को एंजॉय करते हैं इन भाई लोग के साथ, इन राइडर लोग के साथ। आप देख सकते हैं, और ये जो प्लेस है बहुत फेमस प्लेस है, जैसा कि आप जानते हैं पेटरवार के पास जब आइएगा तो इस तरह का आपको पेड़ देखने के लिए मिलेगा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और मेरे बहुत सारे वीडियो में ये आपको देखने के लिए मिला होगा ऐसा पेड़। आप रोड्स देख सकते हैं, ब्यूटी देख सकते हैं माय फ्रेंड, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। तो यही झारखंड है, और यहाँ के रोड्स आप देख सकते हैं, अल्टीमेट ब्यूटीफुल रोड्स है यार। Thank you.
बाइक पे भी जिम्मा दे रहा हूँ अच्छा मॉडिफाई करने को। शैडो बैग ये हमको भी चेंज करना था। ये बस बोलना कि नया बाइक लेके निकले थे ना। अब व्यू कितना अच्छा है। अरे शाम के वक्त शाम के तरफ बहुत अच्छा सनसेट होता है। Find my way tonight, way tonight.